कि 4500 रुपये आपने लगाया है राहुल गांधी जी के लिए, बाकी किसी की नजर आया ना। एकदम खुशी से अपने दिल से यहाँ पर आए हैं और राहुल जी का जोरदार स्वागत करेंगे आप। 2000 रुपये मांग रहे हैं, 2000 रुपया और 2500 रुपया, 4500 रुपये के एवरेज में आपका गया है जी, 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 जी। तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? क्यों नहीं सर, इससे ज्यादा भी करेंगे लेकिन अभी नहीं है। हम नांदेड़ से यहाँ तक लाए हैं, इसके बाद हमने यहाँ पर ये पंखुड़ी अलग की और हम हमारे लीडर का इंतजार कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी को जो ताकत मिल रही है राहुल गांधी जी से, उससे हम बहुत बहुत खुश है और आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है कि हमारे भी दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी जी को दिखाऊंगा मैं कि हमारा इसका कपास का कीमत नहीं मिल पा रहा और गंदे का कीमत नहीं मिल पा रहा, उद्धार अगर करेंगे तो इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जी करेंगे। हम अगले प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं, इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हैं और हम आगे भी इनके साथ रहेंगे। कि राहुल गांधी ही आना चाहिए, क्यों तो ये सरकार जातिवाद सरकार है। अच्छा, और वो जो कांग्रेस सरकार थी तो एक सब लोगों को एक इकट्ठा करके चलने की सरकार है, और जो बीजेपी सरकार है तो जाति के लिए, मुस्लिम धर्म हो और कई जाति हो उनके लिए खतरा है। अच्छा, आपको कैसा लगता है खतरा? हाँ, तो संविधान के लिए धोखा है। बीजेपी तो कहती है सबके साथ सबका विकास, सब लोगों के लिए खतरा है, इसलिए हम कहना चाहते हैं राहुल जी को, वो भविष्य में पंत प्रधान होंगे इसलिए कहेंगे हम। अच्छा, हाँ, लगता है कि राहुल गांधी जी के आने से कुछ बदलाव होगा? ओ, आना चाहिए सर। आना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं नहीं, आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए उसको। क्यों आना चाहिए? ओ, अच्छा है, अच्छा है। तीन पीढ़ी के वास्ते उन्हें राज किया है देश में, वो चाचा है वो। तो राहुल जी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, आपने उसका कार्यकाल देखा नहीं, फिर क्यों आना चाहिए? वो इसका इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है था। अच्छा, आप ये समझते हैं, आप ये समझते हैं कि इंदिरा गांधी की परछाई है वो? और नहीं, राजीव गांधी ना होता ना, राजीव गांधी पंत प्रधान होता। अच्छा, आप ये समझते हैं कि राहुल गांधी, राजीव गांधी जी भी पंत प्रधान होना चाहिए उसको, देश के लिए अच्छे है वो राहुल गांधी। ओ, मोदी जी बोलता एक उन्हें करता एक, प्रॉब्लम है, बेकारी बढ़ गई। कांग्रेस के काल में 67 रुपये किलो सोया तेल था, अब 160-140 रुपये किलो लेना पड़ रहा। पहाड़ों के बीच राहुल गांधी जी की लगी हुई यह तस्वीर और सड़क किनारे जंगलों में लोग करते हुए इंतजार, आप देख सकते हैं राहुल गांधी जी का लोगों में कितना जुनून है। लोग यहां पर सड़कों के किनारे बैठ करके इंतजार कर रहे हैं, हालांकि यहां पर ना कोई गाँव है और ना बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर ये एक जंगल क्षेत्र है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ। अगर मैंने आपको दिखाया तो आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं, चारों तरफ जो मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ केवल पहाड़ी दिखेगी। हाँ, ये एक बस स्टॉप है और यहाँ पर लोग किस तरह से ऊपर से नीचे तक नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो के यहाँ पर नारा लग रहा है। 11 बजे तक, 11 बजे आ गए। हाँ, 11 बजे तक। वो आपको पता नहीं था कि शाम को राहुल गांधी जी आएंगे? नहीं, अब वो 3 बजे तक यहाँ निकलते बोल रहे कुसुम से, हम यहाँ था, यहाँ उसके पैसे उसके लिए यहाँ खड़े हैं हम। हमको बहुत उसको प्यारा है। क्यों? क्या वो लोगों को, गरीब लोगों को उसको भेंट देता, और वो गांधी घराना है, वो गांधी घराना है। प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? करने है चाहते ना, इस वास्ते वो खड़े हैं सब लोग। हाँ, सबको पीएम करना। अच्छा, सबको आकांक्षा है कि उनको पीएम का, भारत का पीएम करना है, ऐसा अच्छा बोल रहे सब गोर गरीब लोग। क्या करना है कपास का? कपास का ये जो कपड़ा है ना, आप ये लेके क्यों खड़े हुए? ये इसको भाव नहीं, इसको भाव नहीं। अच्छा, इसकी कीमत नहीं है? हाँ, कीमत नहीं है, कीमत नहीं। देखिए भाई साहब, कपास लेके यहाँ खड़े हुए, पूरा खराब। मैं तो सोचा कि शायद क्यों लेकर खड़ा हुआ, मतलब नहीं समझा, लेकिन हाँ आप मुझे समझ में आया कि कपास का पेड़ लगे करे इसीलिए, क्योंकि किसान को इसकी कीमत नहीं मिल पा रही है। नहीं, मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, जो तेल का भाव है, तेल का भाव है वो बढ़ा दिया। अच्छा, 220 रुपये किया। सोयाबीन का भाव क्यों नहीं बढ़ाया? का भाव बढ़ाया क्यों नहीं बढ़ाया? ये राहुल जी को मैं बोलने वाला हूँ अभी। गन्ना, हमारे गन्ने को भाव नहीं है सर, गन्ना का भाव नहीं है। हाँ, किसी लिए हमारे राहुल गांधी जी को गन्ना देंगे क्या? हाँ, नहीं भाव, हमारे गन्ना के लिए बोलेंगे। हाँ, भाव के लिए प्रधानमंत्री है राहुल गांधी जी, आपका मुख्यमंत्री बनाने का है, होने वाले प्रधानमंत्री है राहुल गांधी का। राहुल गांधी हाँ जरूर, कैसे बता आपको? मैं बोलता हूँ महंगाई के लिए दुनिया, महंगाई के लिए भारत परेशान है, गोर गरीब जनता परेशान है। पीएम बन जाएंगे राहुल गांधी, पक्का बन जाएंगे, पक्का। राहुल गांधी जी को दिखाऊंगा मैं कि हमारा इसका कपास का कीमत नहीं मिल पा रहा और गंदे का कीमत नहीं मिल पा रहा, उद्धार अगर करेंगे तो इन लोगों का मानना है कि राहुल गांधी जी करेंगे।
हाँ तो नांदेड़ का ये अच्छा, हाँ भाई साहब बता रहे हैं बड़बड़ा का ये प्रोग्राम है और काफी अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पर, हर बार मैं नई नई चीज मुझे देखने को मिलती है। कन्याकुमारी से चला हूँ और कन्याकुमारी से चलने के बाद मैं महाराष्ट्र तक पहुँचा हूँ और चार स्टेट पाँच स्टेट में हर बार नया नया संस्कृति कार्यक्रम मेरे को देखने को मिला और काफी अच्छा डांस है देखने का, बहुत मजा आता है। कोई भी लोकल चीज हो, संस्कृति हो लोकल, उसको जब दर्शाया जाता है तो उसमें एक अपनापन होता है और वही अपनापन भले मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन इसमें मुझे भी अपनापन नजर आ रहा है और मुझे भी अपनापन इसमें महसूस हो रहा है, रियलाइज हो रहा है और काफी अच्छा होता है। कोई मैं खुद अपने लोकल लैंग्वेज की बात करूँ या अपने लोकल एरिया की तो मुझे भी अपने क्षेत्र में जो होता है कार्यक्रम उसको भी देखने में बहुत मजा आता है और उसको करने में बहुत मजा आता है। उसी तरह दूसरे का देख करके मुझे मैं खुद भी इंजॉय कर लेता हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ नांदेड़ का, ये लोकल संस्कृति का लोकल कार्यक्रम है। लोगों से भाई से ये भाई है यहाँ पे भी लेकर के खड़े हुए गुलाब की पंखड़ी, तो ये आप तो लाए या पार्टी वालों ने दिया? जी सर ये हम खुद नांदेड़ से सुबह 8 बजे उठकर नांदेड़ से लाए हैं, सुबह 8 बजे उठकर हम 5 जन नांदेड़ से आए, ये मेरा खुद का गांव है और यहाँ से हम नांदेड़ से यहाँ तक लाए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर ये पंखुड़ी अलग की और हम हमारे लीडर का इंतजार कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी को जो ताकत मिल रही है राहुल गांधी जी से उससे हम बहुत बहुत खुश है और आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है कि हमारे भी दिन आने वाले हैं। अच्छा आपके भी दिन अच्छे दिन के बाद तो मोदी जी करते हैं, मोदी जी के अच्छे दिन उनके लिए है, ये सबके लिए आएंगे ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि देश ने तो मोदी जी पर ही भी विश्वास किया था कि शायद वो अच्छे दिन लाएंगे लेकिन अभी 10 साल से तो कुछ लग नहीं रहा है तो शायद कांग्रेस ही लाएगी अच्छे दिन। यहाँ से आपको बता दूं यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पे नांदेड़ है, आप सुबह सुबह नांदेड़ गए थे यानी 100 किलोमीटर का रास्ता आपने तय किया? नहीं नहीं 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर आना 50 किलोमीटर जाना 100 किलोमीटर का रास्ता तय किया आपने, काफी ज्यादा लेकर के आया, कितने में मिला टोटल? सर ये 80 रुपए किलो से मिले हैं हमको। कितना किलो लेकर आए? ये 30 किलो गुलाब के फूल लाए हम। 30 किलो देख लीजिए 80 रुपए किलो मिला और 30 किलो ले गया लगभग 2500 रुपए का एवरेज, 2500 रुपए का 2400 रुपए का आपने 2400 रुपए केवल ये पंखड़ी इसलिए खरीदी है राहुल गांधी जी पर बरसाने के लिए जी। और ये हमने बैंड का भी इंतजाम किया है। अच्छा बैंड का भी बजाओ भाई, देखिए बैंड का भी इंतजाम किया है। बस बस रहने दो रहने दो। कितने में बैंड हुआ आपका अभी? वो तो 2000 रुपए मांग रहे हैं। 2000 रुपया और 2500 रुपया 4500 रुपए के एवरेज में आपका गया है जी, 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 जी। तो इतना खर्चा करने की क्या जरूरत? क्यों नहीं सर, इससे ज्यादा भी करेंगे लेकिन अभी नहीं है अच्छे दिन चल ही नहीं रहे सर तो इतने ही है लेकिन यही हम एकदम खुशी से अपने दिल से यहाँ पर आए हैं और राहुल जी का जोरदार स्वागत करेंगे यहाँ पर। बहुत खुशी हुई, राहुल गांधी जी आपके क्षेत्र में आ रहे हैं। अरे हाँ इसलिए बहुत खुशी हुई। अच्छा अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ ना, अभी तक कभी ऐसे नहीं हुआ हिस्ट्री में। इसमें खास क्या है? नेता आ रहे पैदल चल के? नहीं उनको पैदल चल के आ रहे ना हाँ। इसलिए खुशी हुई। अच्छा इसीलिए खुशी हुई। आपने तो मेरे बारे में नहीं पूछा, मैं भी कन्याकुमारी से पैदल चल के आ रहा हूँ, कांग्रेस का आया। अच्छा इसीलिए हम इंतजार कर रहे। आपको लग रहा है कि फ्यूचर में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते? हाँ बन सकते, बन सकते, बन सकते। 2.5 किलोमीटर गाँव यही गाँव है हमारा लेकिन अभी ये बड़े गाँव कुछ अंदर के गाँव है वो भी लोग खुशी से यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी जी को देखने के लिए। गांधी जी को देखने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए। स्वागत करने के लिए कि आपके क्षेत्र में आ रहा है इसलिए। जी 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 बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ही ज्यादा खुशी खुशी नजर आ रही है कि 4500 रुपया आपने लगाया राहुल गांधी जी के लिए जी, जी, जी। बाकी किसी की नजर आए ना? नहीं नहीं सब। राहुल गांधी जी से अगर आपको मिले, राहुल गांधी जी अगर आपको, तो आप कौन सा कंप्लेन करेंगे उसको? उनको यही कंप्लेन करेंगे कि सर और ताकत बढ़ाओ, बस दूसरा कोई कंप्लेन। कांग्रेस की ताकत सजेशन होगा, कंप्लेन बोलना। कंप्लेन क्या करेंगे सर, कंप्लेन अभी मोदी जी के बारे में कर सकते हैं लेकिन उनको करके कुछ फायदा नहीं है, वो कंप्लेन हम हमारे वोटों से दिखा देंगे। वोटों से? हाँ जी, हम हमारा वोट देंगे कांग्रेस को और मोदी जी की कंप्लेन कर देंगे। हमारा राजा है बात, बाद में बोल देंगे और गरीब अच्छे हुए कि बाद में। राजा क्या बोला? मतलब हमारी सत्ता बोल रहे। जी जी अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग कांग्रेस की सत्ता आएगी तो बता देंगे? कांग्रेस की सत्ता आई तो बता देंगे बोल रहे उन्हें। कांग्रेस की सत्ता है तो मैं और एक देख लीजिए ये बच्चे लोग हैं और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर के राहुल गांधी जी का। आप इसे जुनून कह सकते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इनको पता है क्या करना है। यहाँ पे हर एक आने जाने वाले यात्री जो पद यात्री हैं भारत जोड़ो यात्रा के, उनका स्वागत कर रहे हैं ये बच्चे, जो है उनके पास उसी से स्वागत कर रहे हैं। जुनून देख लीजिए कितना है बच्चों में और मुझे लगता है कि 2-3 घंटे से तो खड़े ही होंगे बच्चे लोग। यहाँ पे लोग अपने घरों से निकल निकल करके यहाँ पर सड़कों के किनारे, जबकि यहाँ पर नाला है आप देख सकते हैं गंदा पानी चल रहा है, फिर भी उसके किनारे लोग पेड़ के पास खड़े हुए, कुछ बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी कब आए
और कब उनको देखें या उनका स्वागत करें। ये लोगों का जुनून है जो टेंट लगा करके रोड के किनारे बैठे हुए राहुल गांधी जी को देखने के लिए, और कुछ लोग छतों पर बैठे हुए हैं इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी को देखा जाए। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं लोग छतों पर बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी जी को एक झलक देख लूँ। और आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए लोग अपने टेरिस पे या अपने गैलरी में खड़े हुए हैं ताकि उनको एक झलक राहुल गांधी जी की मिले। यहाँ भी गैलरी में देख सकते हैं, और यहाँ पे टूटा हुआ जो छत दिख रहा है किनारा, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं लोग खड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं बैठ करके कि राहुल गांधी जी का एक झलक देखने को मिल जाए। कौन किसके लिए इतना टाइम देता है, केवल ये एक जुनून है जो लोगों को इस तरफ राहुल गांधी की तरफ खींच रखा है, जो इंतज़ार कर रहे हैं लोग। देख लीजिए किस तरह से बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात कि लोग टेंट लगा के बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी को एक बार देखने को मिल जाए, एक जुनून है। देखिए किस तरह से ये नारा लगा रहा है एक पदयात्री के साथ कि जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का, और काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पर केवल बैठी हुई। इन्होंने बताया कि यहाँ पर धूप था इसलिए हमने टेंट लगा लिया।